नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सुपर टेक सपोर्ट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नोटिफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में और ये काफ़ी सारे लोगों को देखी गई है। मतलब मैं भी पर्सनली जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरी नोटिफिकेशन लोगों तक नहीं पहुँच पाता, कभी पहुँचता है कभी नहीं पहुँच पाता। हो सकता है आज की ये वीडियो बना रहा हूँ इसका नोटिफिकेशन पहुँचे या ना पहुँचे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नई यूट्यूबर हैं, आपके लिमिटेड सब्सक्राइबर हैं और फिर भी आपका अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि मैंने इससे पहले एक कुछ वीडियो डाली थी, उसमें नोटिफिकेशन लोगों तक नहीं पहुँचा था और उसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो व्यूज़ आने चाहिए थे, क्योंकि व्यूज़ वेलोसिटी अगर आपकी जितनी इंक्रीज़ होगी, मतलब स्टार्टिंग में जितने आपके व्यूज़ ज़्यादा होंगे उतने ही आपकी जो वीडियो है वो सर्चिंग में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपके स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है या फिर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है उसमें आप किसी और आईडी से अगर आप लॉगिन हैं तो आप अपने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है जब भी आप वीडियो अपलोड करें कि आपको जो दूसरा वाला फ़ोन है उस पर नोटिफिकेशन आया नहीं आया। अगर नोटिफिकेशन आ चुका है तो ठीक है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपको 5 से 10 या 15 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा। 15-20 मिनट के बाद फिर भी आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपको हो सकता है नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो पे जी हो जाती है। मैंने भी काफ़ी बार ये देखा है कि काफ़ी सारी वीडियोस में जी प्रॉब्लम हो जाती है, नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाता है। तो अगर नोटिफिकेशन पहुँच गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा है तो आपको क्या करना है, उस वाली वीडियो को प्राइवेट कर देना है। और प्राइवेट करने के बाद आपने जो वीडियो बनाई थी, मतलब आपने जो वीडियो चाहे आपने काइन मास्टर में चाहे आपने फिल्मोरा में या पावर डायरेक्ट में जब वीडियो बना रहे थे तो उसमें जब एडिट कर रहे थे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से वही वीडियो को थोड़ा सा एडिट और करना है। चाहे आप उसको 1-2 सेकंड उसको कट कर दीजिए या फिर उसमें कोई इमेज आप डाल दीजिए, उसके बाद आप उसको फिर से एक्सपोर्ट कीजिए और फिर से यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। सेम वीडियो को आप यूट्यूब पर दोबारा अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप दोबारा अपलोड करोगे चाहे आपकी खुद की वीडियो हो, उसमें आपको कंटेंट आईडी मैच हो जाएगी और यूट्यूब उसको वैलिड नहीं मानता है। तो आपको कुछ थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी, उसमें कुछ फ्रेम वगैरह दूसरा लगा सकते हैं, कुछ 1-2 सेकंड की कट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आप फिर से यूट्यूबर उसको अपलोड करिए और अपलोड करने के बाद सेम टाइटल सेम थंबनेल और सेम टैग्स वगैरह देके और आप उसको फिर पब्लिश करिए। और पब्लिश करने के बाद आप देखिए कि नोटिफिकेशन पहुँचा या नहीं पहुँचा। अगर फिर भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा है तो ये आपकी फिर कंटिन्यू प्रॉब्लम बनी रहेगी उसी दिन तक। अगर आप मान के चलिए आज एक वीडियो डाल रहे हैं और आज आपने एक वीडियो डाली उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, उसका दूसरी वीडियो डाली उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, तो आपको वेट करना है कल तक का, मतलब नेक्स्ट डे तक का। नेक्स्ट डे आपको फिर क्या करना है, उसी वाली वीडियो का अगर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाई है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगले दिन का वेट करना पड़ेगा और अगले दिन उसी वाली वीडियो को फिर से एक्सपोर्ट करके एडिट करके अपलोड करने के बाद और उसको पब्लिश करिए। 100% आपके जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचेगा। अब नोटिफिकेशन को पता करने के लिए मैंने आपको बता दिया आपके पास एक दूसरा फोन होना चाहिए जिससे कि आप अपने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, बेल आइकन को क्लिक कर रखा हो, जिससे आपको पता चल जाए कि नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ये केवल और केवल मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर इस चीज़ को करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो आपको डबल मिल जाएंगी, सेम टाइटल सेम थंबनेल और सेम सब चीज़ उसकी उनकी सेम होंगी, दो दो वीडियो आपको मिलेंगी। तो आपने भी कभी गौर करा होगा कि ये दो वीडियो कौन डाली है, क्योंकि उसमें होता ही है कि उनकी नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। कितना सब्सक्राइबर हो, चाहे उसके 10 लाख हो, 20 लाख, 50 लाख सब्सक्राइबर हो, अगर उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा लोगों तक तो उसके लिमिटेड व्यूज़ आएंगे और लिमिटेड व्यूज़ आने की वजह से जो व्यूज़ वेलोसिटी है बहुत कम हो जाती है और आपकी जो वीडियो है वो सर्चिंग में आना कम कर देती है। और वहीं पर आपकी अगर वीडियो पर नोटिफिकेशन लोगों तक पहुंच जाए तो आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ स्टार्टिंग में आ जाते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें मेरे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा था, तो मैंने क्या करा, उस वाली वीडियो को फिर से एडिट करा, अपलोड करने के बाद फर्स्ट जो वीडियो डाली थी उसको प्राइवेट कर दिया और सेम टाइटल थंबनेल वगैरह मैंने देखा उसको अपलोड करा, तो उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए और आने के बाद उसकी जो वो सर्चिंग में भी आने लगी है और उस पर डे कुछ ना कुछ व्यूज़ आ जाते हैं। तो ये अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने यूट्यूब पर बहुत अच्छी आपकी वीडियो सर्चिंग में आए तो आपको ये नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल मेथड है और ये काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो भी करते हैं, मैंने काफ़ी बार लोगों से सुना भी है इस बारे में कि अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा तो फिर से वो वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद फिर से वो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। तो बस ये कुछ बातें थी और मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको हमेशा पहुंचता रहे। तो बस ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।